मध्य प्रदेश में दो विधानसभा क्षेत्रों पर हो रहे उपचुनाव की मतदान तारीख का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मतदान 13 नवंबर को होना है, यानी कि मतदान होने में 6 दिन और शेष हैं। विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव में महाकाल की नगरी के सेवक और प्रदेश के सरकार संगठन के सुप्रीमो और मामा की ख्याति लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज के साथ ग्वालियर चंबल इलाके में अजात शत्रु नरेंद्र सिंह के साथ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा के कद्दावर नेता राकेश शुक्ला चुनावी बार में अपनी अपनी चेक पोस्ट पर अपनी पलटनों के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। भाजपा की इसी पलटन थल के कमांडर ऑफिसर राकेश शुक्ला अपनी चेक पोस्ट पर अपने दायित्व के साथ कांग्रेस की पलटन में सेंधमारी की व्यूह रचना लिए जनता के बीच मन में घुसपैठ कर रहे हैं। राकेश शुक्ला और उनकी पलटन ने विरोधी कांग्रेसी पलटन में कोहराम मचा रखा है। राकेश शुक्ला ने पहले आदिवासी बाहुल्य इलाकों में घुसपैठ करते हुए आदिवासी लोगों के बीच राम के लिए कमल की छाप छोड़ी है, तो दूसरा अहम वर्ग युवाओं के बीच चाय पर चर्चा आदि संवाद कर युवाओं को भाजपा की तरफ मोड़ने का काम किया है। तो वहीं मंत्री राकेश शुक्ला और उनकी पलटन ने जातिगत समीकरणों को साधने की शुरुआत ब्राह्मण वर्ग से शुरू कर दी है। विजयपुर के उपचुनाव में जहाँ वायु मार्ग से प्रदेश के सरकार संगठन के सुप्रीमो और पार्टी के दिग्गज नेता वायुसेना का काम कर रहे हैं, तो राकेश शुक्ला जमीन पर रहकर थल सेना का काम कर रहे हैं। बीते बुधवार विजयपुर में वायु मार्ग से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विजयपुर की धरती पर विकास की बात करते हुए बमबारी की, तो वहीं शाम को विजयपुर में मंत्री राकेश शुक्ला और उनकी पलटन के नेतृत्व में ब्राह्मण वर्ग के वोटरों को साधते हुए मंच से जोरदार फायरिंग की। ब्राह्मण वर्ग के वोटरों को साधते हुए बंकर फायरिंग में कांग्रेस पार्टी की पलटन के अंदर भगदड़ मच रही है। बुधवार की शाम विजयपुर में हुए ब्राह्मण सम्मेलन में प्रदेश के पार्टी सुप्रीमो बीडी शर्मा और भाजपा प्रत्याशी राम निवास रावत के साथ ब्राह्मण बेल्ट के प्रमुख कर्ता धर्ता मंच पर एकजुट हुए। नेताओं का संबोधन भी हुआ, फोटो सेशन भी हुआ, लेकिन संबोधन और फोटो सेशन के बीच जो व्यक्ति सूत्रधार की भूमिका में नजर आया वह कोई और शख्स नहीं था, वो था राकेश शुक्ला। वैसे भी भाजपा में रणनीतिकार हमेशा परिदृश्य से ओझल रहता है, लेकिन यदा कदा झलक दिख ही जाती है, जिसे हम नहीं कह रहे मंच पर खींचा गया फोटो कह रहा है। एक और फोटो में बीडी शर्मा का संबोधन हो रहा है, जिसमें ब्राह्मण समाज की आन बान शान लिए साफा पहने बीडी शर्मा माइक की कमान संभाले हुए हैं, तो मंत्री राकेश शुक्ला बिना साफा के भी अपनी रणनीति बनाने में भाजपा के राम के साथ मशगूल हैं।